खोपोली से आगे हैं और मौसम कुछ इस तरीके का आप दे सकते हो। बाद में मत बोलना कि मौसम ख़राब था, मौसम अच्छा है। और ये शर्मा जी बाइक चलाते हुए यहाँ पे और अश्विनी खंतवा कहते हैं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे गांव बाइक से जाने का। और ये दो राइडर हमारे बगल से निकलते हुए, ये हमारे ही आपस के बंदे हैं, देख सकते हैं आप। मैं तुम्हारा मुंडी देखेंगे घूमते हुए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो देख के। और हमने पी नहीं रखी। हाँ, कई लोग ये सोचते हैं ये जा रहे हैं टिका के जा रहे हैं। मौसम देखो आप पहले, मौसम बहुत ही बेहतरीन, बुड्ढा एक बीड़ी पीता हुआ यहाँ पे। हेलमेट हटाते हुए क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता हुआ यहाँ पे हेलमेट के साथ, और इस वजह से हेलमेट निकाल दिया है। बाकी मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रास्ते एकदम साफ है। दोबारा भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दोबारा भी आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम सतपुली तक जा सकते हैं तो उससे आगे भी हम जा सकते हैं और आ भी सकते हैं, और दोबारा भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। रास्ते बिल्कुल साफ, आगे देखिए रास्ते आपको आगे दिखेंगे, आगे देखिए को आगे करिए। लोग होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि बस में आओ भाई, अब आप जान सकते हैं कौन बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार बस से आ जाओ, बाइक से रास्ता ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं चल रहा उत्तराखंड का, पर हाँ बाइक चल रही है, नो डाउट। हवा की लहरें, ठंडी ठंडी हवा, और एहसास हो रहा है, टाइम हो रहा है इस वक्त 5। जब हम 5 बजे ऐसे चल सकते हैं तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और बाकी मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। क्योंकि शाम के टाइम ना कोई भी गाड़ी वाड़ी या कोई भी चीज़ नहीं आती यहाँ पे, और हो सकता है हमारे पीछे कोई आ रहा हो गाड़ी लेके, बट आगे हमारे कोई नहीं है, हम सबसे आगे हम ही लोग हैं। ट्रांसपोर्ट बंद, मेरे पापा मम्मी डरते हैं इन चीज़ से कि ये लोग बाइक से क्यों जा रहे हैं। आई थिंक उन्हें डरना नहीं चाहिए इस चीज़ को लेके कि हम बाइक से क्यों जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और बाकी रास्ता भी बिल्कुल ठीक है। जंगल में बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है, क्योंकि हमारे उत्तरांचल में कोई है नहीं, सबके सब दिल्ली में रहने लगे हैं इस वजह से। और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है इस टाइम पे यहाँ पे, मौसम ना तो ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है, मतलब नॉर्मल है और अच्छा लग रहा है।
हमारे आगे दो बंदे ऐसे चल रहे हैं जो ऑलरेडी इस उत्तराखंड में पहले भी बाइक लेके आ चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, इसीलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो हम उनके आगे होते ओवरटेक करते। और मैं अभी पीछे बैठा हूँ, मैं बाइक ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने मेरे को मना किया कि बाइक नहीं चलानी है, इसीलिए मैं पीछे बैठा हूँ। कंटिन्यू। अच्छी खासी ठीक ठाक स्पीड है हमारी, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि हमें भी अपनी सेफ्टी का पता है कि हमें किस स्पीड से चलना है। ज़्यादा नहीं है, 20 और 30, 30 से 40 के बीच में हम लोग चल रहे हैं। और मैंने गॉगल्स इसीलिए लगा रखे हैं क्योंकि मेरे हेलमेट में ग्लास नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे देखने में आगे, क्योंकि मुझे अपने राइडर को भी ऑपरेट करना है कि किस तरीके से चलना है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ गॉगल्स एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेटेस्ट जर्नी इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग बाय बाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पापा मम्मी भी एग्री हो गए। क्योंकि मेरे को इस चीज़ की परमिशन नहीं है इसीलिए मैं ड्राइव नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है कि बाय भाई मुझे लगता है कि मुझे हर बार ऐसे ही आना चाहिए सबके साथ, और ये एक बहुत ही लाइफ की बहुत ही अच्छी जर्नी है मेरे लिए। काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं बाइक और स्कूटी लेके, और ये मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस है बाइक से जाने का, वो भी अपने जीजा के साथ। अगर शायद मैं नहीं बोलता तो शायद मेरे जीजा मेरे पापा मम्मी को मनाते भी नहीं और मैं जाता भी नहीं, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने जीजा के साथ बाइक पर जा रहा हूँ। We both together। और शिवानी, ये तेरे को भी दिखना चाहिए कि तेरे जो पति देव हैं वो बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं, चाहे वो कहीं भी हों, चाहे वो उत्तरांचल में चला रहे हैं, चाहे वो यहाँ चला रहे हैं दिल्ली में। सतपुली गांव देख सकते हो आप, नीचे है, शायद आपको ना दिखे क्योंकि हम पहाड़ी की तरफ आ चुके हैं। टाइम 5 बज चुके हैं और हम लोग अभी सतपुली से निकले हैं सिसलडी के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। आगे आप देख सकते हैं कि दो राइडर चल रहे हैं। ओके, मुझे लगता है मुझे अपनी अपनी वीडियो नहीं लेनी चाहिए, औरों के भी लेनी चाहिए ना, ताकि लगे कि हाँ हम घूमने गए थे और हमने पूरा एंजॉय किया। ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है हम लोग क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मोड़ आ रहे हैं, तो स्पीड ज़्यादा नहीं रखी हुई हमने, कम रखी है स्पीड। जंगल देख सकते हो आप, बिल्कुल एकदम ब्लैक है, मतलब एकदम हरा हो रखा है, हरा भरा, क्योंकि गांव में लोग नहीं हैं इस वजह से। और आगे सुमित बैठा हुआ है जो आगे वाली बाइक में है मिस्टर आशीष के साथ और वीडियो बना रहा है, और पीछे वाली बाइक में है मिस्टर डब्बू एंड मिस्टर सुमित, और उनके पीछे चल रहे हैं मिस्टर अजय कांत शर्मा एंड अश्विनी खानतवाल। थैंक यू। अच्छा लगा, कैसा कमेंटेटर हूँ मैं? पूरी रोड पे कोई नहीं दिख रहा मेरे को, सिर्फ हम 6 जने जो रोड पे हैं। दिस इज अ वेरी फनी एंड अमेजिंग वीडियो आई थिंक। मतलब चलते जाओ किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कौन कहाँ जा रहा है। हाँ, इतना है कि अंधेरे में किसी का कुछ दिखता नहीं है।
पहले रुके थे कोटद्वार में, उसके बाद रुके थे हम डेरा खाल में, डेरा खाल के बाद हम लोग रुके थे सतपुली में, सतपुली के बाद हम सीधा हम रुकेंगे अब अपने मतलब मैं अपने ससुराल में रुकूंगा कांडे में। एक आसर के लिए ऊपर जाने के लिए रास्ता दिखाया था और बहुत ही अच्छा वीडियो। ये दो भाई एक साथ और वो दो कजन ब्रदर एक साथ। मुझे लगा कि अंकित आगे और सुमित पीछे वाली बाइक में, बट दो अंकित सुमित एक साथ बैठे हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस राइड में और मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये। उन दोनों ने हमें बीच में रखा कि आप बीच में रहो। हाँ जी, जब कर्म करते हो हॉर्न मार दिया करो भाई। अच्छा, हॉर्न मारने के लिए कह रहे हैं मिस्टर शर्मा जी। पता नहीं ये रिकॉर्डिंग कैसी आई होगी कैसी नहीं आई होगी, पर हवा चल रही है नहीं चल रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेस्ट वीडियो बने। अंकित सुमित पीछे हैं, डब्बू एंड आशीष भाई दोनों आगे चल रहे हैं, एंड मिस्टर अजय कांत शर्मा और अश्विनी कंतवाल, ये मिस्टर अजय कांत हैं और ये अश्विनी कंतवाल हैं जो मिडल में। कहाँ से अंधेरा आता हुआ क्योंकि अब हम आराम से इसीलिए जा सकते हैं कि हमारे पीछे कोई नहीं है और ना हमारे आगे से आने वाला कोई, इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। ज़्यादा हैवी मोड भी नहीं है कि हमें ऑपरेट करने में दिक्कत हो और हम गए भी आराम आराम से ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय, थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करते हैं।